नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। सावस्ती, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल चोर हुआ गिरफ्तार। मुंबई से सूचना मिली थी, एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट नंबर UP 47C 9370 के साथ लक्ष्मण बाजार से मथुरा बाजार को जाने वाले मार्ग पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा है तथा चोरी की मोटरसाइकिल नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में है। सूचना पर क्राइम ब्रांच प्रभारी ब्रिजेश कुमार द्विवेदी व पूरी टीम द्वारा बताए गए स्थान पर टीवीएस मोटरसाइकिल के पास खड़े व्यक्ति से गाड़ी के कागज मांगने पर वे दिखाने में असमर्थ दिखा और भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। गिरफ्तार चोर से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मोटरसाइकिल जिला चिकित्सालय बहराइच से जून माह में चोरी की थी तथा बेचने हेतु राष्ट्र नेपाल ले जा रहा था। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम देश दीपक पुत्र गंगोत्री प्रसाद निवासी मोहल्ला आजाद नगर बाईपास कस्बा इकोना थाना इकोना जनपद सावस्ती बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा संख्या 316/18 धारा 41/411 थाना भिंगा में पंजीकृत कर जेल खाना किया गया। जी तो हमें लाए, हमें मार मार कर कब्जवा लिए। गाड़ी हमारे पास कहाँ से? जी मेरे पास गाड़ी थी ही नहीं। कहाँ से? जिस लोगों के हाथ उसने बेचा था गाड़ी, वहाँ पर हमने बताया कि बलरामपुर जीता है। तुम ये गाड़ी गाड़ी का तुम्हारा क्या लेना? जी जैसे वो मेरा दोस्त था, वो गाड़ी चोरी कर लिया। जी क्या नाम था? निरंजन चौधरी। निरंजन ने चोरी किया जी। फिर बहराइच जो ये पुलिस लाइन को रोड जाती है पहले, मैं यहाँ पर था, वो लेकर वहाँ से आया, मैंने बैठा उसके साथ। फिर आया इकोना, फिर इकोना से बल्लमपुर गए बेचने उसके साथ। उसने कहा ये हमारी रिश्तेदारी की गाड़ी है, बिछवा दो। तो हमने उसका मतलब बुलाया, एक दोस्त मेरा था, उसने उसके हाथ बिछवा दिया जी। फिर बस ठीक है, तो आप बिछवाने कोई बात नहीं, जो तुमने किया वही बताओ ना। जो चल रहा था, हम लोग लगे हुए थे उसमें, अभी हम गाड़ी बाइक बरामद हुई थी, तो दूसरी ये कर बहराई से गाड़ी चोरी हुई थी बाइक। ये थाना है कोतवाली देहात 203/18 मुकदमा लिखा हुआ है। वो चोरी की बाइक निरंजन ये बता रहे हैं चोरी किया था, ये उसके साथ थे, उसको बिकवाने ले जा रहे थे, तो सूचना मिली थी, उनको पकड़ा गया। निरंजन अभी नहीं मिल पाया है, भाग गया है। जिसको बिछवा रहे थे ये, वो और ये गाड़ी, दोनों ही से बरामद हुई है। इसका मुकदमा लेके कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी वहाँ से कनेक्ट हो गई है महाराज से, और बाकी जो जो जिनके अनुसार जो मेन चोर है वो भी बाकी पकड़ा जाना, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का। वो पकड़ा जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं और भी गाड़ियाँ बरामद होंगी। ये अभी फिलहाल जो ये बता रहे हैं कि मैं गाड़ी बचवा रहा था, तो इनका ये दोष है। लेकिन सूचना ये है कि दोनों लोग साथ में चोरी करते हैं, अब ये कबूल नहीं रहे थे। अब वो भी मिल जाएगा तो हम लोग आमने सामने पूरी बात करा लेंगे।